ट्रांजेक्शन इफेक्ट। तो ट्रांजेक्शन इफेक्ट क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। जो ट्रांजेक्शन इफेक्ट होता है, जैसे कि हमारी वीडियो के अंदर हमने सेकंड वीडियो को ज्वाइंट किया है, जहां हमने वहां पर कट किया है, स्प्लिट किया है वहां पर हमने अपनी वीडियो को, तो जो वो जंप होता है उसको थोड़ा सा क्लासिक लुक देने के लिए हम ट्रांजेक्शन इफेक्ट को यूज़ करते हैं। तो सिंपली क्या होता है कि जो हमारी हम ट्रांजेक्शन इफेक्ट को डालने का मेन मोटिव क्या होता है, इससे क्या होता है, इससे हमारी वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, इंस्टाग्राम हो चाहे यूट्यूब हो, तो वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है कि ट्रांजेक्शन इफेक्ट डालने हैं, और वीडियो जो है वो कभी राइट से आ रही है, कभी लेफ्ट से आ रही है, कभी ऊपर से आ रही है, कभी नीचे से आ रही है, तो वो जो इफेक्ट होते हैं वो डालने जब हम डालते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं आजकल के टाइम में। तो इसलिए आज मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे अपनी वीडियो के अंदर ट्रांजेक्शन इफेक्ट को डाल सकते हैं। पर आपको देख सकते हैं यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगी ट्रांजेक्शंस की, तो हमें सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। और जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको बहुत बहुत सारे आपको ट्रांजेक्शन के जो इफेक्ट्स हैं वो देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास ये पेड है, तो वो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर इंडिविजुअल मेरे पास 233 मेरे पास पेड है, तो मेरे पास यहाँ पर सभी आपको देखने को मिल जाएंगे। और अगर आपके पास पेड नहीं है तो आप यहाँ से फिल्म स्टॉक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बेसिक्स में आपको सिंपल से उन्होंने इफेक्ट्स जो है वो फ्री में दिए होंगे। एक इफेक्ट ले लेते हैं, जैसे कि अगर आपको, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने प्रीव्यू करने के लिए एक दो एरो दिए हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि ये कैसे काम कर रहा है। तो फॉर एग्जांपल जैसे ये देखिए, ये है यहाँ पर लिखा हुआ है इन्होंने बॉस कटार बॉक्स, जैसे कि इसके एरो से पता लगता है कि एक बॉस बॉक्स की तरह ये घूमेगा। मैं इसके ऊपर डबल टैप करके हम इसको प्रीव्यू करेंगे, तो जब हम इसके अंदर प्रीव्यू करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कितने, मतलब यहाँ हमारे प्रीव्यू विंडो के अंदर हमको शो होगा ये कैसे काम कर रहा है। ये मेरी वीडियो है और मैं चाहता हूँ, मैंने यहाँ पर ये देखिए, मैंने यहाँ पर अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं कोई एक इफेक्ट यूज करूँ। तो जैसे कि मैं ये जूम वाला इफेक्ट जो है वो सिंपली मैं इसको यहाँ से ड्रैग करूंगा और मैं यहाँ पर इसको इनके बीच में डाल दूँ। सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको यहाँ इसको कहाँ पे रखना है, जैसे कि एक मिनट आप डिसाइड कर सकते हैं आपको इसको बीच में रखना है, आपको इसको अपनी वीडियो के इस एंगल पे रखना है या आपको वीडियो के इस जगह पे रखना है। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी जो वीडियो है उसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस सिंपली आपकी वीडियो के जो इफेक्ट्स हैं, जैसे कि आपने ट्रांजेक्शन डाला है, तो वो थोड़ा सा अच्छा काम नहीं करेगा, वो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये इफेक्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा, मतलब अच्छा नहीं लगा है। देख सकते हैं आप यहाँ पे थोड़ा सा देखने के ऐसा लगता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं सिंपली इसको यहाँ पर अपनी वीडियो के कट, जहाँ पर मैंने कट लगाया उसके सेंटर में ही रखूंगा। तो अगर आपको यहाँ से सेटिंग नहीं पता चल रही, आपको नहीं पता चल रहा कि ये मेरी वीडियो के बिल्कुल सेंटर में है या थोड़ा सा लेफ्ट राइट है, तो आपको सिंपली इस इफेक्ट के ऊपर डबल टैप करना है, तो आपको यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाएगी, इसकी ट्रांजेक्शन की सेटिंग जो है वो खुल जाएगी। तो सबसे पहले है यही, ये है ड्यूरेशन, यहाँ से आप इसकी ड्यूरेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको इसकी ड्यूरेशन को बढ़ाना है या कम करना है। वैसे आप मैन्युअली भी कर सकते हैं, मैन्युअली करने के लिए क्या है, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है और आप देख सकते हैं, तो आपको सबसे पहले इसको ओके, और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ये डबल एरो देखने को मिल जाएगी। तो इसको सिंपली आप यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ से आप इसको, इसके ड्यूरेशन को कम या ज्यादा कर सकते हो। आप देख सकते हैं अभी ये इसकी ड्यूरेशन जो है वो कम हो, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ऑप्शन दी गई है 3, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी वीडियो अभी बीच में है, तो मैं इसको क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं मेरी जो मैंने जो इफेक्ट ट्रांजेक्शन डाली है वो बिल्कुल परफेक्ट है, यानी कि बिल्कुल मेरी दोनों वीडियो के बिल्कुल सेंटर में है। तो मैं अगर चाहूं तो मैं इससे यहां से इसको राइट में कर सकता हूं, यहां पर मैं इसको शिफ्ट कर सकता हूं, मैं इसको सेंटर में ही रखूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ऑप्शन दी गई है अप्लाई टू ऑल, जैसे कि आपको सिंपली आप, जैसे आप यहाँ से मैं अगर कट लगाता हूँ एक, मैं वैसे ही यहाँ पर कट लगा देता हूँ
और मैं यहाँ पर इसको कट लगा देता हूँ और मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो मैं अगर यहाँ पर अप्लाई टू ऑल कर देता हूँ तो इससे क्या होगा, इससे मैंने जहाँ जहाँ भी ये इफेक्ट जो है वो डाला है, मैंने यहाँ जहाँ पर ये इफेक्ट डाला है, जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, तो जैसे कि मैं यहाँ पर इसकी सेटिंग कर देता हूँ, तो मैं सिंपली इसके ड्यूरेशन को कम से कम करूंगा, अप्लाई टू ऑल कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी तो हमने पहले से सेटिंग की थी, तो इसकी मैंने सेटिंग की है और आप देख सकते हैं इसकी जो ड्यूरेशन है वो भी 8 सेकंड की हो चुकी है। यानी कि जैसे कि आप आपने वीडियो के अंदर कट लगाए हैं तो आपको सिंपली बार बार उनकी ड्यूरेशन जो है वो सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बस आपको इफेक्ट डालते जाना है और आपको बस सिंपली, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सेम इफेक्ट है तो ये सेम इफेक्ट पे ही काम करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसको सिंपली यहाँ पर इसकी ड्यूरेशन चेंज की और मैंने यहाँ पर अप्लाई टू ऑल कर दिया, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये मैंने से आपका काम जो है वो बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। तो आप बहुत ही आसानी से आप अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हैं।